मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आप जब सवेरे सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आपको पानी पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। अब वैसे तो आयुर्वेद में इस सूत्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उषापान का मतलब होता है सुबह सुबह जब आप 4-4:30 बजे उठते हैं वो समय जो है उषा का समय कहलाता है, उषाकाल में पिया हुआ पानी उषापान। तो वैसे तो आदर्श है कि सुबह आप 4:30-5 बजे उठें और उठते ही पानी पिए, लेकिन अगर आप नहीं उठ पाते हैं 4:30-5 बजे तो जब उठें उठते ही पानी पिए, माने आपके दिन की शुरुआत पानी से करें। महत्व की बात है वो ये, आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, चाय से नहीं, कॉफी से नहीं, दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ, उठते ही पानी पिए। और पीने का तरीका मैंने पहले बता दिया, सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पिए, ठंडा पीना नहीं है, घड़े का पी सकते हैं नहीं तो सादा पानी पिए। पानी सुबह उठते ही पीना है। अब आप बोलेंगे जी कितना पिए, तो आयुर्वेद तो कहता है कि कम से कम 1.25 लीटर माने कम से कम 4 गिलास। आप बोलेंगे जी हमारे बस का नहीं है, तो आप ऐसा करिए 1 गिलास से शुरू करिए, पहले 1 गिलास पीने की आदत डाल दीजिए, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। शरीर ये जो है ना इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदत डालो वैसी ही पड़ जाती है। तो 1 गिलास से शुरू करिए, थोड़े दिन 1 गिलास पीते रहिए, फिर धीरे धीरे 1.5 गिलास करिए, फिर 2 गिलास करिए, फिर 2.5 करिए, बढ़ाते जाइए। आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती, बिना प्यास के पिए, उठते ही पानी पिए। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण क्या है, रात्रि को जब आप सो गए तो मुंह में जो लार बनी वो अंदर नहीं गई, वो इधर उधर जमा है, उठते ही आप पानी पिएंगे तो ये अंदर जाएगी। और सुबह की जो सबसे प्रथम बार की जो लार होती है वो पूरे दिन में सबसे अच्छी मानी जाती है, सोने के जैसे बराबर मानी जाती है। तो इसलिए उठते ही पानी पिएंगे तो चारों तरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि सुबह, मैंने आपको पहले बोला था ना, ध्यान दिया कि सुबह का समय वायु का होता है, सुबह का समय वायु का प्रकोप शरीर को होता है, वायु का ताकत लेकर कम करना है तो पानी ही है। तो सुबह उठते ही पानी पिएंगे, वायु का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है, तो वायु ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी। और तीसरा फायदा यह होगा कि जैसे ही आप पानी पिएंगे तो अंतड़ियों तक पानी जाएगा सुबह, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं, फिर अंतड़ियों को साफ करेगा, इंटेस्टाइन को साफ करेगा। और रोज का रोज अगर आपकी आंतें साफ होती हैं, इंटेस्टाइन एकदम स्वच्छ होती है, तो मैं आपको फिर कहें उतने रुपए के स्टाम्प पेपर को लिख के देता हूं, जिनकी इंटेस्टाइन सुबह रोज साफ हो जाती है उनको जिंदगी में कोई रोग आने की शक्यता नहीं है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है, कम से कम 1.25 लीटर पीना है, शुरू करिए 1 गिलास से, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उस